This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के लेक्चर नंबर 17 में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। जी किसने किसने असाइनमेंट बना लिए? जी हाँ जी, मुझे आप लोगों ने असाइनमेंट का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है, वहां पर आकर आपने मेरे साथ शेयर करना है। तो आप लोगों को असाइनमेंट का साथ साथ मैं अपडेट करता जाऊंगा। जो जो स्टूडेंट असाइनमेंट बनाकर मुझे दिखाता जा रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं साथ साथ उसके असाइनमेंट चेक करता जा रहा हूँ और रिजल्ट के बाद वो अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर देगा। तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है जैसे ही आपको रिजल्ट आपके असाइनमेंट के बारे में रिजल्ट में देता जाऊंगा। उससे पहले डोमेन वगैरह आपने बाय नहीं करनी है, ठीक है? वेबसाइट की जो टाइप है, इससे मुराद ये होता है कि आपने जब वेबसाइट स्टार्ट करनी है, जैसे आप लोगों को मैंने थीम का कहा कि थीम आपने ऐसा नहीं लगाना कि फॉर एग्जांपल जो डोमेन का मैंने सॉरी आपको बताया, तो डोमेन ऐसी आपने बाय नहीं करनी कि एक ही तरह की डोमेन आपने चाहे एडसेंस की साइट है उस पर उसके लिए यूज कर ली, क्लिकबैंक की वेबसाइट है उसके लिए यूज कर ली, अमेजोन की साइट है उसके लिए यूज कर ली, ऐसे नहीं करना। क्या है बेसिकली एडसेंस के लिए जो हमने वेबसाइट की टाइप बनाई मल्टी टॉपिक, ठीक है, और जो होम पेज होगा उस पर हम मल्टीपल पोस्ट शो करवाएंगे। ई कॉमर्स है उसमें हम शॉप चाहे वो होम पेज में शो करवाएंगे, ठीक है। जो क्लिक बैंक है वन पेज लैंडिंग पेज, इसके जरिए हम बनाएंगे।
पिलर आर्टिकल। पिलर आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो भी हमारा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है वेट लॉस, इससे रिलेटेड जो वेट लॉस के जो भी प्रोडक्ट है उसको उसको होम पेज पे उसको स्टिकी पोस्ट बना के और जो रिलेटेड पोस्ट होंगी उनको हम साइड बार में शो करवा देंगे। ये बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोगों का जहन होता है कि वो एडसेंस की साइट बनाए, कुछ लोगों का जहन होता है कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। कुछ लोगों का जहन होता है कि नहीं क्लिक बैंक की साइट बनानी है, ठीक है। कुछ लोगों का जहन होता है जो अमेजोन के ऊपर काम करना। तो हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है। तो इसके बारे में बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर तैयार करना है वो कैसे करना है। मैं अब आपको एक साइट जो मैंने बेची वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दो हजार चौदह में जब ट्रेनिंग मैंने देना स्टार्ट की, फर्स्ट बैच का ही एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे ये साइट बाय कर ली। ₹1,00,000 पाकिस्तानी की। तो ये bukhara.com है, ये मैंने डिजाइन की, ये एडसेंस बेस्ड हमने साइट बनाई थी। और आप इस पे देखो तो ये सहीफा जरीदा इस तरह के थीम में से कोई एक थीम हमने इस पे यूज किया, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये एडसेंस की जो साइट्स होती हैं उनके होम पेज पे हम लेटेस्ट पोस्ट को शो करवाते हैं, मेन कैटेगरीज को शो करवाते हैं, लाइक डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्टस। ये इस तरह से आपने नेविगेशन जो होती है अपनी साइट की वो प्रॉपर रखनी होती है, चाहे आपकी क्लिकबैंक की साइट हो, चाहे अमेजोन की साइट हो, चाहे आपका ई कॉमर्स स्टोर हो, ठीक है, चाहे आपकी एडसेंस की साइट हो। आपने जो मेन जो इम्पोर्टेंट पेजेस है ना, इम्पोर्टेंट पेजेस, ठीक है, ये पेजेस आपने अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसमें जरूर ऐड करने हैं, चाहे आप कोई भी मोनेटाइजेशन ऑप्शन यूज कर रहे हो। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे कि ये मैं आपको अपनी साइट दिखा रहा हूँ, आज 2020 है, ये साइट हमने स्टार्ट की थी 2013 में, जैसे कि आपने वेबैक मशीन में भी देखा है। तो आज को 6-7 साल हो गए, और उससे पहले उस वक्त भी डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग हाईलाइट करते थे। गूगल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। गूगल कहते हैं कि वेबसाइट जो है नीट एंड क्लीन हो, ओरिजिनल वेबसाइट हो। ओरिजिनल वेबसाइट की निशानी ये होती है कि उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड हो, थीम नीट एंड क्लीन थीम हो, चोरी शुदा ना हो। आपका थीम अगर चोरी शुदा होगा तो ये जहन में रखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एडसेंस उड़ा सकते हैं, गूगल एडसेंस रिमूव करवा सकते हैं जो ऑनर है थीम का। इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह का कोई काम नहीं करना, आपने बाय करना है थीम या किसी से परचेज थीम लेके जब जब अर्निंग स्टार्ट हो जाए उसको आप अपने तौर पे बाय कर लो। मैं मोस्टली थीम जो है वो
स्टूडेंट जब देते हैं उसके बाद फिर मैं उसको बाय कर लेता हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली बाय कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो है एडसेंस बेस्ड जो साइटें होती हैं या अमेजोन की साइट होती है या क्लिक बैंक की होती है या ई कॉमर्स स्टोर होता है, हर साइट का जो डिजाइनिंग है आपने उस हिसाब से करनी है। ये नहीं करना कि मतलब सब साइटों को एक तरह बना ले। जैसे कि क्लिक बैंक है उसके होम पेज पर रिव्यू होना जरूरी है, ठीक है, होम पेज पर। अच्छा, जैसे अमेजोन की साइट है उसके होम पेज पर रिव्यू प्लस जो बाकी के प्रोडक्ट्स होंगे उनको हमने डिस्प्ले करवाना है साइड बार से, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना। ये व्हाट्सएप के बारे में बताया था उस टाइम में, पढ़े ये उन दिनों में 500 वर्ड्स का हम लोग आर्टिकल पब्लिश करते होते थे। अभी जो है आप लोगों ने जो आर्टिकल है मिनिमम 750 वर्ड्स का, मिनिमम 750 वर्ड्स का आर्टिकल, ठीक है, वो आप लोगों ने जरूर पब्लिश करना है। शायद ऐसे लॉगिन हो, मैं डायरेक्टली सी पैनल में लॉगिन होगी, वहां से अपना जो है अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, WP एडमिन को बेसिकली लॉगिन करता हूँ। वर्कर्स में आगे आप लोगों को सारे प्लगइन्स सब सेटिंग वर्डप्रेस की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कोर्स के अंदर। जिसको समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, तो हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ में आपने कीवर्ड इन आर्टिकल टाइटल ऑन पेज एसईओ करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका आर्टिकल जो है वो जल्दी रैंकिंग में। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक किया,
डिजाइन आर्टिकल से एक रैंडमली आर्टिकल उठा के आप लोगों को सेटिंग बता दूं कि कैसे हमने ऑन पेज एसईओ करना है, ताकि आप लोगों के लिए अपनी वेबसाइट को एसईओ की टेक्निक्स के जरिए लेके चलना आसान हो। हमें जो है हमारा राइटर प्रॉपर आर्टिकल दे, ये मैं कॉपी किया कैरेक्टर में है। हमारा जो फॉर एग्जाम्पल जो फोकस कीवर्ड है इस टाइम वहाँ COVID-19 इन्फेक्शन ठीक है। इमेज शेयरिंग की जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस की साइट से हमें वहां से इमेज ले लेनी है। आपने इस तरह से कोई काम नहीं करना, मींस कि आर्टिकल वगैरह चोरी कहीं से नहीं करना, राइटर से लिखवाना है आर्टिकल राइटर से, ठीक है। इसका लोग ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फोकस कीवर्ड था, ये यानी कि मेरा जो विनिंग कीवर्ड था वो ये था, मैंने उसको जो है फर्स्ट 150 वर्ड्स में उसको ऐड करवाने का अपने राइटर को कह दिया, टाइटल में आ गया, ठीक है। फर्स्ट 150 वर्ड्स में आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने जो इमेज लेनी है वो हमारी टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये ना हो कि इमेज जो है वो फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप के लगा रहे हो और आर्टिकल है जी फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम के बारे में, इस तरह नहीं करना, ठीक है। सही इमेज लगानी है ताकि यूजर एक्सपीरियंस बढ़े। इसका जो नाम दे रहा हूँ मैं इमेज का वो भी वही दे रहा हूँ, COVID-19 इन्फेक्शन। उसके बाद हमने यह इमेज लगा दी प्लस इमेज डॉट ऑल टाइम इज ना बेस्ट COVID-19 इन्फेक्शन गाइड, ठीक है। हमने आर्ट में दे दिया ये। अच्छा जी, हमने ऐड उसमें दे दिया। टाइटल में हमारा कीवर्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन में हमारा कीवर्ड, यानी कि 150 वर्ड्स में हमारा कीवर्ड आ गया, इमेज का फाइल नेम हमारा कीवर्ड आ गया, उसके आर्ट टैग में हमने अपने कीवर्ड को जबरदस्त तरीके से ऐड करवाया। और अच्छा, इसके बाद जो जो सबसे ज्यादा आपको जल्दी रैंकिंग देती है वो है इंटरनल लिंकिंग। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 3 से 4 अपनी पेजेस को लिंक दूंगा, ठीक है। और वो फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी पोस्ट है जी COVID-19 केसेस से रिलेटेड, मैं उसको हाईलाइट करके फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने लिंक दे दी इंटरनल लिंक। अपने ही पोस्ट को
लिंक दे दिया। अच्छा, उसके बाद फॉरन पर ठीक इंश्योरेंस रिलेटेड कोई पोस्ट है उसको मैं लिंक दे दूंगा। मतलब दो से तीन, इनके दो से तीन पोस्टों को और एक किसी कैटेगरी को हम लिंक दे देंगे अपने हर आर्टिकल के अंदर। ऐसे ही करना है, हमने अपनी जो बाकी पोस्ट है उनको हमने उठाना है, उनको हमने रैंकिंग दिलवानी है। उसके लिए इंटरनल लिंकिंग आप लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनल लिंकिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग हर पेज की आपने जहन में रखना है कि जो आगे रिलेटेड पेजेस हैं उनकी तरफ इंटरनल लिंकिंग आपने करते जाना है। उसके बाद आपने पब्लिश कर दिया। अच्छा, एक इमेज तो हमने लगा दिया। हम यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं यूट्यूब से उठा के, यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इमेजेस दो से तीन और भी हम ऐड कर सकते हैं। हमने बेसिकली यूजर को रखना है एंगेज। यूजर को एंगेज रखने के लिए उसको आप कह लो कि ग्राफिकली जो है उसको जो है बिजी रखना होता है। आप ये कह सकते हो या ये कह सकते हो कि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाना होता है, यूजर को ज्यादा देर तक अपने पेज पे बिठाना होता है ताकि बाउंस रेट कम हो। बाउंस रेट कम होगा तो रैंकिंग बढ़ेगी। तो वो जो फार्मूला है पहले दिन से आप लोगों को ये बताता आ रहा हूँ, उसके मुताबिक एक अच्छी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होता है जिसने रिलेटेड इमेजेस लगाई हो, रिलेटेड वीडियो लगाई हो, कंटेंट ज्यादा हो, इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर हो। तो इस तरह बेसिकली क्या होता है कि इस तरह यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो रैंकिंग भी बढ़ेगी, बाउंस रेट कम होगा। ठीक है, तो हमने जो है अपने वेबसाइट की क्वालिटी पे ध्यान देना है ना कि क्वांटिटी पे। ठीक हो गया, जब हमने आर्टिकल को पब्लिश कर दिया अब हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है गूगल में इंडेक्स होने के लिए। हम इससे पहले कि हम यानी कि ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएं और कामों की तरफ जाएं, हमारी वेबसाइट हम लोगों को क्या करना है, इसका हमने साइट मैप बना लेना है। सेटिंग में साइड में हमारा ये बन रहा है। जैसे हमने पोस्ट किया हमारा साइड मैप मतलब बनना स्टार्ट हो गया। साइट मैप के जरिए हमारे जो वेबसाइट है उसके पेजेस गूगल में इंडेक्स होते हैं। अगर हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती गूगल में, ध्यान रखना कि हमें रैंकिंग नहीं मिलेगी। रैंकिंग के लिए हमारी वेबसाइट का गूगल में इंडेक्स होना बहुत जरूरी होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब हम साइट मैप सबमिट करेंगे गूगल वेबमास्टर टूल में। अच्छा जी, ये है गूगल वेब मास्टर टूल। इसमें हमने जब मैंने अपनी वेबसाइट को पहले से ही वेरीफाई करवाया हुआ है और वेरीफाइड साइटों की ही डिटेल वेब मास्टर टूल में नज़र आती है। आपने क्या करना है, आके अपनी वेबसाइट को पहले करना है ऐड, ऐड प्रॉपर्टी पे आके, यहाँ पे आके यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड करवाना है। ऐड करोगे, कंटिन्यू करोगे, उसके बाद एक फाइल अपलोड करने का कहेगा। आपने फाइल मैनेजर में जाके अपने रूट डायरेक्टरी में वो फाइल गूगल की रख देनी है। उसके बाद वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे वेरिफिकेशन आपकी वेबसाइट की हो जाती है उसके बाद आपने आना है जी
साइड में ऐप्स में, यहाँ पे आके आपने अपना जो यूआरएल है कॉपी किया, ऐसे और समय ठीक है। जब आप इस तरह सबमिट कर देते हो तो गूगल अब जो है प्रोसेस क्या करेगा कि टाइम टू टाइम, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हमारी वेबसाइट के नए पेजेस को खुद ही ऐड करता रहेगा। हमने बस अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स पब्लिश करते जाने हैं और अब गूगल जो है गूगल के सर्वर को हमारे पेजेस के बारे में मालूम मिलना शुरू हो जाएगी इस साइट मैप के लिंक के जरिए। बेसिकली ये प्रोसेस करना है तब जब आपने आर्टिकल दो तीन पब्लिश कर दिए। अच्छा, एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं आज, फिर एक दूसरा आर्टिकल पब्लिश करते हैं 3 से 4 दिन के बाद, इस तरह स्लो स्लो करते हैं। एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि आप यानी कि डेली दो तीन आर्टिकल पब्लिश करते जाओ, जैसे ही 50-100 आर्टिकल जो आपके विनिंग कीवर्ड्स हैं उनके मुताबिक आर्टिकल आपके पूरे हो जाए, आप उसके बाद आप जो है वेबसाइट की प्रमोशन की तरफ ध्यान दो, यानी कि जो एसईओ में टेक्निक्स बताई जाएंगी उनकी तरफ आप ध्यान दो। ये दोनों काम हो सकते हैं क्योंकि आर्टिकल आपका जेन्युइन है तो आप जो है वो पोस्ट करने के बाद अपनी वेबसाइट की अदर जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान दे सकते हो, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल 7 o'clock क्लास होगी और मैं यहीं से आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगा और जो जो टॉपिक आगे आने वाले टॉपिक है उनको मैं कवर करूँगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।